स्कूल ये सेशन आपके फायदे के लिए दिस इज अ सेशन ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट जोर से बोलिए आपके याद है सेशन ऑन यस नाउ टेल मी एक्चुअली आई नीड लॉट ऑफ स्पेस आई वांट टू गेट अप एंड डू सम एक्सरसाइजेस बट आई डोंट हैव स्पेस आई डोंट नो हाउ टू ओपन स्पेस एक्चुअली तो ओपन स्पेस क्या है नहीं तो हम क्या करते हैं खड़े हो जाते हैं मैं सोचती हूँ उसको कैसे किया जाए पहले हम ऐसे करते हैं
Oh.
डार्लिंग फ्रेंड्स, ये क्या है? इंसान है, पेड़ है, पौधा है, आकाश है, जमीन है, क्या इंसान है? आप ही से इंसान है? जिनको इंसान नहीं दिखता है वो कुछ कह सकते हैं? हाँ, हाँ जी, somebody sees the
Only
Yes, Mr. Neera. How many Mr. Neera are there? माइक के बिना ही बोलिए सुनाई नहीं है ऊन लीली उधर फैदर ऑन है उधर फैदर ऑन है ओके व्हाट अबाउट यू दो रेस्पॉन्सेस बताइए क्या है दिस इज डेमन थैंक यू My dear sweet friends,
I repeat, I am one of you and I love you all. Please, please don't think I am outside here. मुझे आपके ग्रुप में शामिल कीजिए साइकोलॉजी. You need some psychological space. अब आप देख रहे हैं ये इमेज है. Let us not talk of other groups. इसकी इमेज की बात करते हैं. Is there a fact in life? Do you think there is something जिसे हम लाइफ में फैक्ट कहें? फैक्ट मतलब सच्चाई. क्या जिंदगी में एब्सोल्यूट ट्रूथ कोई चीज होता है? Is it relative? Yes, it was. Death and birth. Throughout the living process, death and birth are something on which we don't have control. But the process of living, the journey from being born, from cradle to the grave, is the process of living, process of existing. एक journey है, एक हमारी यात्रा है, जिस यात्रा से हम गुजरते हैं. अब इस यात्रा में अगर आप डीपली देखेंगे, facts हैं, facts की नहीं है. अब ये जो है, find somebody sees a snake, somebody a tank, somebody a leather, or somebody a snake. Somebody is a small woman, young woman, somebody an old woman. He can't hear them. What is going on inside this software? What the hell is going on inside this software? Why can't we come out with a common response? If each response union, just stool is one, stool is one, image is one, thing is one. Why we are having multiple responses? Yes. Yes. Somebody else also wanted to say? Yes. Perceptions. You know, once a person looked out of a window, once a person looked out of a window, two persons looked out of a window. One saw the stars, another saw the light. कहीं पे अगर आप सोचेंगे, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, लोग हमें परेशान करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमें परेशान करता है, पढ़ाई हमें परेशान करता है, ग्रेड्स हमें परेशान करता है, एग्जामिनेशन सिस्टम हमें परेशान करता है, इवैल्यूएशन सिस्टम हमें परेशान करता है, जॉब मार्केट हमें परेशान करता है, गर्लफ्रेंड हमें परेशान करती है, बॉयफ्रेंड हमें परेशान करता है, बच्चा परेशान करता है, कई बार पेरेंट्स पर परेशान करते हैं, फ्रेंड्स परेशान करते हैं, दुनिया परेशान करती है. मैं मानती हूँ उस चीज़ को, ठीक है. बट अगर आप सोचें डीपली, अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि कहीं पर हमारा भी रोल है इसमें. देखिए, जब हम परेशान होते हैं, इन दोनों ने मुझे इतना परेशान किया है, जीना मुश्किल है, इतना जीना मुश्किल करे. मैं इनके पास गई, आपके पास गई, भाई इन दोनों ने मेरा तो जीना ही मुश्किल करे, ठीक है. तो जब मैं इनके पास आती हूँ तो ये मुझे कहते हैं, नीरा आपने कभी अपने अंदर, मैंने देखा है परेशान करने वाले को बहुत लोग हैं, आज इन दोनों ने क्या करेंगे, सब करेंगे. तुम्हें अपने अंदर कभी जानते देखा, तुम अपने आप को कितना परेशान करती, कहीं मैं हमको जान के देखना है, जो हमारा नजरिया होता है और जो सोच होता है, ये हमको कितना परेशान करता है. मैं आपको बताती हूँ, 2, 3, 4 स्टूडेंट्स स्टेड इन 12th क्लास. अब 12th तो इंडिया में लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, 12th इज अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फॉर पेरेंट्स, फॉर नेबर्स, फॉर फ्रेंड्स, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर स्कूल्स, फॉर होम्स. इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है. आप बारहवीं में चार बच्चे, चारों फेल, ऑल द फोर स्टूडेंट्स आर फेल. स्टूडेंट्स एक है ना, कैसे ही है, विल द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम? एक फांसी चढ़ जाता है, एक सोने बैठ जाता है, एक क्रिकेट देखने जाता है, क्रिकेट मैच वॉच करता है, चौथा मूवी जाता है.
what is happening? कहीं हमें अंदर अपनी अंदर आत्मा को समझना है. मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर करता हूँ. जो खुशी होती है, सारा मामला खुशी का है. जो खुशी होती है, मैं आपको एक दिन हूँ आपकी दोस्त हूँ, मैं एक दिन खुशी हूँ, दूसरे दिन हूँ, तीसरे दिन, चौथे दिन का. The problem is happiness is your own business. It might be your own child. इसको हम इतने प्रेम से पालते हैं, पैदा करते हैं, स्पेशली द लेडीज. वो भी आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार वो भी रिपीट करें. तो कहीं ना खुशी हमने अपने अंदर क्रिएट कर लिया और कुछ ऐसी बिहेवियर्स डाल दें, सीख ली है वो चीज़ें. Why I am here, my dear sweet friends? Why I am here? Just to see that we are empowered with certain skills, with certain thinking process. उससे हम अपने आप को खुशी की तरफ लेते हैं. सच बात तो ये है, ना दूसरा बदलता है, ना जमाना बदलता है, ना evaluation system आपके सोचने से बदलेगा, ना exam में ना पढ़ाई बदलेगी, ना system बदलेगा, ना teacher बदलेगा, ना माँ बदलेगी, ना सोसाइटी बनेगी, ना पड़ोसी बनेंगे. कहीं पे हमें अपने आप में बदलाव लाना है, पॉजिटिव चैलेंज है. तो यू हैव टू लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. अब आपको मैं हंसाती हूँ. दो दोस्त थे, बड़े दोस्त रहे. ओके, तो एक बड़ा कमेंट है, वेरी कमेंट है, वेरी रिस्पॉन्सिबल, खुश रहता था, मस्त रहता था, एंजॉय करता था लाइफ को, सीरियसनेस का कोई मामला नहीं, खुश ही रह रहा, काम भी कर रहा, हेल्थी थी, तो एवरीथिंग मेंटेन इन सेल्फ सो वेल. देखा दूसरे दोस्त से, भाई ये तो काम पे ही नहीं आ रहा, जॉब पे ही नहीं आ रहा, कहीं मिल से. इसलिए इसका वेट क्या, 5-6 दिन इसको व्हाट्सएप मैसेज किया, इसको SMS किया, इसको फेसबुक पे डाला, इसको फोन किए, इसको मैसेंजर भेजे, कोई रेस्पॉन्स नहीं. तो ये गया तो गया. देखिए आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी हाथ में है ना, दुनिया हाथ में है. शी इज माय फ्रेंड. रात को 3 बजे मैंने कॉल किया, आई ओके. पहले तो हमारे जमाने में इतना नहीं था, अब उसको निकालें ठीक हो. अब ये परेशान हो, दोस्त की जरा गहरी थी ये, कल छुट्टी रख के उसके घर चला. चलते उसके घर पहुंचा, इसने देखा अरे इसकी तो हालत बहुत ही बुरी है, ना तो उसने शेव किया, ना कपड़े तेजी से बदले, ना नहाया है, ना खाया है. He's under total gloom, stress, depression. इसकी आवाज वो मस्ती खत्म, वो एग्जुबरेंस खत्म, वो खुशी खत्म. कहना तेरे को क्या हो गया है, उनको आए नहीं 10-12 दिन से, ना तो SMS, ना तो फोन, ना तो व्हाट्सएप, आखिर हुआ क्या. कहता है मैं तो बर्बाद हो, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मुझे अब बचना ही नहीं, मेरा मरना ही ठीक है. सुनामी भी वो तो एक्सट्रीम्स है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रखा है. खबर हुआ क्या है ये तो बता, हुआ क्या है. कहता यार मेरी लाइफ में डिजास्टर आ गया, मेरी बीवी जो है ये कभी घर ही नहीं आती है, और जब आती है वीकेंड पे आती है वो भी मिडनाइट में, तो मैं बर्बाद हो. अब देखिए आई यू सी द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, मेरी बीवी घर में आती है, वीकेंड पे आती है, मिडनाइट पे आती है, अब रेस्पॉन्स इसका मैं बर्बाद हो गया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मतलब नहीं. हम लोग कैसे रेस्पॉन्स कहता मुझे ना ऑफिस आना, मैं कुछ नहीं करूँ. काफ़ी दोस्त ने समझाया मगर नहीं समझ, नहीं समझते हैं लोग स्ट्रेस में. नतीजे साल भर हो गया ये आई नहीं रहा जॉब, साल भर हो गया ये दोस्त फिर इसके घर चला. देखू मेरे दोस्त का जिंदा भी है, हुआ क्या है. जब ये गया इसके घर, अरे ये तो गाना गा रहा है, शेव कर रहा है, कपड़े सुंदर से पहने हैं, वो कर रहा तैयारी ऑफिस की जाने की, फिर से ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा. ही इज एंजॉयिंग लाइफ, ईटिंग, कुकिंग, सो हैप्पी. अरे तू बदल गया, तेरे को तो इतना डिप्रेशन था, तूने तो बात भी की मेरे साथ, क्या हो गया, तेरी बीवी बदल गई. कहता है वो काम करती, वो तो वैसी है. कहता पर तू
सुसाइडल हो गया था, आत्महत्या की बातें करता था, आज तो इतना खुश है और तू ये कह रही है कि बदली नहीं, आखिर हुआ क्या? कहता यार मैंने अपनी सोच बदल, अपने रिस्पॉन्स बदल, अपना नजरिया बदल, अपनी भावनाएं बदली, मैं किया क्या तुमने क्या बदला? कहता मैंने ये सोचा कि ये जो मेरी बीवी है ये किसी और की बीवी है जो मेरे पास कभी नहीं आया। Parents, tell me, call me.
उसको लेकर मुझे उषा मैडम फोन कर मैंने चार दिन को उससे नाम भी लिया उषा मैडम उषा मैडम मुझे पीजी मैडम है वो मुझे खड़ी करती है अगर तूने बोला अगर थोड़ा सा भी अंतर है बात पनिशमेंट के लिए कुछ उषा मैडम बस ये तो चौकीदार मेरे को तो रिलेट ही नहीं हो रहा था कुछ दिमाग को कर लेंगे दिल को बहुत दिल तो है दिल इसका क्या कीजिएगा तो ये तो कहता है मैंने कहा अच्छा उषा मैडम की ये हिम्मत इनको डांटा उषा मैडम ने बार बार की हिम्मत उषा मैडम ये ना बेटर विद दिस सेंटेंस हिज स्ट्रेस वाज हिज फीलिंग वाज गेटिंग एड्रेस्ड यू नो थोड़ा बेटर हो गया हां ये ना तो देखो उषा मैडम ये बिहेवियर नहीं होना अगर मैं तेरी जगह होती मैं भी बोलती हमने सोचे नहीं अंदर ये चौकीदार क्यों बोल रहा तो मैंने सोचा जब हमारे कैंपस में बहुत सारे बच्चे चौकीदार है जब बच्चे सुबह निकलते हैं तो ये जगह बेचारे इतना बैग लंच बॉक्स पानी वो सब वो चौकीदार क्या होता है सीट में जाना है कुर्सी पर बैठ के डंडा हाथ में होता है और चाय का कप इनको लगता है चौकीदार होता है पॉकेट है कुर्सी भी है सीटी भी है चाय की है डंडा भी है हमें पढ़ के क्या करना चौकीदार इतना इम्पोर्टेंट आई एम लास्ट मैंने आप चुप है ही बेटर ये मैंने कहा अच्छा एक चीज करते हैं मैंने कहा ठीक है मगर मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा चौकीदार ही ठीक है मैंने कहा एक चीज करते हैं मैंने इसको नहीं बोला कि तुझे जाना है इसको मैंने कहा एक चीज करते हैं इस कमरे में तुझे सबसे बड़ा तकिया कौन सा दिख रहा है सोच रहा था ना तो उषा मैडम से निपट रहा हूँ मेरी माँ को तमाशा देख रही मैंने कहा तू ऐसा कर इधर ला उषा मैडम को मैं भी सर तो मारू तो मैंने भी मारा और ये भी बस की थी ना कहीं गिला ना कहीं तकिया बट ये रिलैक्स ये मजा अब मैंने इसको ये नहीं पूछा स्कूल जाना है कहते हैं कब सोते हैं ओह स्ट्रेस मैनेज हो गया अब मैं सुबह उठी 7 बजे इसको क्या करना है मेरा स्कूल जाना है मैंने को फोर्स नहीं किया मुझे जाना है ना स्पोर्ट्स के आज स्पोर्ट्स के लिए तो ऐसे उसे बोला पूरे टाइम स्पेंड करेंगे स्पोर्ट्स के लिए अब ये किसी हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी लुक्स एटलीस्ट स्ट्रेस में आउटलेट हो आई कम टू दैट तो क्या हो गया है स्कूल मुझे बोले उषा मैडम ने क्या किया कुछ बोली ना नहीं ये तो मुझे लिफ्ट ही दे रहा है मैं तो ड्राइविंग सीख बड़ी फिलोसफी हो गई मैंने कहा अच्छा उषा मैडम आई थी आज नहीं वो ना मुझे आइसक्रीम खानी है हम जैसे ये मेरी फ्रेंड से अगर हम 2-4 दिन मिलेंगे बहुत क्लोज हो जाएंगे
they don't share, and they know they are not supposed to be in our culture. तो क्या होता है कैथार्सिस थोड़ा काम करता है. अब आपको मैं बता दूं कैथार्सिस अलग अलग है. कैथार्सिस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब तक आप ये बड़ा साथी निकालोगे इट बिकम्स अ क्लियर. ये अंदर ही अंदर इट्स लाइक अ स्लो प्रोसेस. क्या आपको किसी दोस्त से बात कर लीजिए, और अगर आज तो ऐसा है दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, जिंदगी के रहा एतबार न रहा. कई बार आप बात करोगे फिर बोलोगे अरे माई अल्लाह बचाए मैंने क्या किया. इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू नो इन जापान हाउ दे डू कैथार्सिस और इंडस्ट्रीज. अब बॉस के साथ तो हर एक का पंगा होता है, टीचर के साथ होता है, पेरेंट्स के साथ भी आजकल होता है. जापानी सिस्टम में कैथार्सिस स्ट्रेस कैसे करते हैं, उन्होंने हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कमरा रखा, उस कमरे में मैनेजमेंट और बॉस रखे. बॉसेस के मैनेजमेंट लंच कर लिया आपने, पिज्जा खाया, रोटी खाई, जो खाया है दो चार ईद मार. जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेजमेंट और बॉस को भी मार सकते हैं, टीचर को भी मार सकते हैं, माँ बाप को भी मार सकते हैं, बॉयफ्रेंड को भी मार सकते हैं, गर्लफ्रेंड को भी मार सकते हैं, मगर ख्यालों का तो कुछ नहीं कर सकते. अब दिल में क्या हो रहा है कौन देखता है. तो वो उसको मैनेजमेंट का एंड हमारा दे हैव जंगल्स, ह्यूज जंगल्स जहाँ पे इफ आई एम अंडर सीरियस स्ट्रेस समटाइम्स इट बिकम सो डिफिकल्ट. इफ यू आर अंडर सीरियस स्ट्रेस फीलिंग सो दैट यू नो दे गेट यू डोंट मेल्ट अप दे आर फ्रोजन. तो वो जंगल में जाके चिल्लाते हैं, जंगल में जाके शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं. नाउ इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, मगर आपने एक कॉन्फिडेंस आ जाती है कि रिलैक्स. देखिए हम लेडीज जब रो लेती हैं इमेज डोंट वी फील बेटर, वी ऑल फील बेटर आफ्टर दी. मैंने आई वॉज वंस एड्रेसिंग क्लिनिशियंस फ्रॉम हॉस्पिटल्स स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो मैंने इनको कहा जो आपके कार्डियक यूनिट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, आईसीयू होते हैं, इनमें ज़्यादा लेडीज होते हैं या आदमी होते हैं, आप कैसे कर सकते हैं. मैन नो वाई बिकॉज मैन शेयर लेस, मैन हैव लेस कैपेसिटी काम होना काम शेयर करना. मैं कहती हूँ दे बिलीव इन दैट पॉलिटिक्स वेदर सीजन जनरल नॉलेज. Women get into personal details. Shortly, they get into personal details. कुछ तो बोल लेती हैं और कुछ अगर हाइड नहीं किया तो कुछ तो बोला, कुछ तो हल्का हो गया. सो ये कैथार्सिस जो है इट्स वन ऑफ द लीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस. देखिए जब आपका ये खाली हो गया ऑल इज वेल ऑल इज वेल, उसका दोस्त कहता है आपने खान का तो क्या हो रहा है ऑल इज वेल ऑल इज वेल, उसे क्या है तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए, मगर तुझे प्रॉब्लम करने की क्षमता आए, काबिलियत आए, कॉम्पिटेंस आए, देन यू से ऑल इज वेल. ऑल से ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बट इट हेल्प्स टू फिर दिमाग की खिड़कियाँ खुलती है और फिर आप अपने एटीट्यूड पे काम करते हैं. एक एडवर्टीजमेंट आती थी टेलीविजन पर, एक्टर गोविंदा यू नो ना एक्टर गोविंदा, गोविंदा और दो लोग उसमें होते हैं, तो कोई ना गोविंदा को डका मारता है, जब डका मारता है तो दूसरा आदमी गोविंदा को बोलता है अरे इसने तो तेरे को डका मारा तूने कुछ बोला ही नहीं. यू नो व्हाट ही सेड, ही सेड मैंने डका लिया ही पर मैंने गाली ली ही का. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज बिल्डिंग अ एटीट्यूड, दिस इज बिल्डिंग अ स्ट्रेंथनिंग. दैट डजंट मीन कि आपको रोज कोई धक्का मारेगा आप रोज लेंगे, मगर एक एग्जांपल है जहाँ पर आप अपने आप को मेंटल स्ट्रेंथ एटीट्यूडल चेंज पे वर्क करेंगे. नाउ कमिंग बैक टू कैथार्सिस, दिस टेकिंग आउट टेकिंग आउट, आई वांट टू शो यू अ क्लियर. यस करते हैं
आप मुझे बताइए आज आप 24 घंटे में से
सोचते हैं जितना समझने की कोशिश करते हैं कितना अपने आप से प्यार जताते हैं मेरा है। आप अखबार पढ़ेंगे न्यूज़ पढ़ेंगे न्यूज़ देखेंगे तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पढ़ना है लिखना है एग्जाम की तैयारी करनी है बिलीव पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन बिलीव पीपल इन द फैमिली बिलीव पीपल इन द हॉस्टल ये सब तो आप करें हेल्दी योर फ्रेंड्स। जरा आज आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि 24 घंटे में आप अपने आप को कितना देखते हैं कितना जानने की कोशिश करते हैं कितना समझने की कोशिश करते हैं कितना अपने आप से प्यार जताते हैं। प्लीज लर्न टू लव योरसेल्फ प्लीज लर्न टू एड्रेस योर नेगेटिव फीलिंग्स डोंट इग्नोर देम सिट इन अ कॉर्नर अलोन फॉर 10 मिनट्स एवरी डे What is bothering you? Write it on the pad. Please use paper and pencil. ये आप दुनिया के लिए काम करते हैं सारी दुनिया को सुधारने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ आप करते हैं आप कौन वेयर आर यू डू यू नो यू आर मिसिंग इन द सी डू यू नो यू आर मिसिंग इन द सी हैव यू एवर लुक्ड इनसाइड टू सी मुझे क्या चीज बात करती है मेरी नीड बात करती थी उनको बोला एडवर्चुअली आ गई एंड शी स्टार्टेड सॉफ्ट 50 साल की
सारे हैं यहाँ पे, दरवाजे ऑफ कर रहा है। मैंने कहा एक चीज बताइए, ठीक है पेपर एंड पेंसिल ले लो मैम ऑन द स्पॉट इन द क्लास। मैंने कहा ये बताइए क्या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप अपना बॉस चेंज कर सकते हो? पता नहीं हाई सिस्टम है। मैंने कहा लिखिए इसका जवाब। शी सेड नो। मैंने कहा आप अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो? शी सेड नो। मैंने कहा आप अपना ऑफिस से ट्रांसफर ले सकते हो? पॉसिबिलिटी देखी होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। शी सेड नो। मैंने कहा क्या आप अपने दोस्त या कलीग ऑफिस में है जो आप दोनों का कोऑर्डिनेट करे, नेगोशिएट करे? शी सेड नो। मैंने कहा कोई बाहर वाले से मीडिएट करना है? शी सेड नो। मैंने बोला आप उसको कन्फ्रंट कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो? ही सो एग्रेसिव कैन यू? शी सेड नो। मैंने कहा वो आपको इतना तंग कर रहा है, ये आप उसको ले तो पा ले, वो ऑप्शन ही है ना, जैसे ले नहीं पा रही है ना वो, तो क्या किया जाए? मैंने कहा ये तो हमारे पास 10 नोज आ गए, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? द एंटायर ऑडिटोरियम वाज क्वाइट, क्योंकि जिंदगी में ऑप्शन निकालने पड़ते हैं। तो कैथारसिस के साथ फिर आपको प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करनी है, क्या किया जाए? तो मुझे लगा अभी तो हम क्लास टू आवर क्लास हम अभी क्या कर सकते हैं। आई टोल्ड हर यू प्लीज स्टे डाउन रियली क्वाइट फॉर 5 मिनट्स। जैसे उससे जब भी मैंने बोला चिट्ठी डाल रहा हूँ, सो आई टोल्ड हर जितने आपको डर्टी कार्टून आते हैं वो बनाए, और घर जाके अगर गाली दे रही है व्हाट्सएप का रिकॉर्ड कीजिए, तो उसको गाल क्या दीजिए, मेक सम जेस्चर्स बैड जेस्चर्स एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर बॉस। पुश ही स्टार्ट टू बी देयर इट्स ए, और इसने 5 पेज भर दिया 5 मिनट काट काट के ऐसे बना के उसको काट के गा लिया। व्हाट आई एम सेइंग, अगर डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं होता है तो हम इनडायरेक्ट से जैसे मैनिकुलेंस करते हैं, जगह मैनिकुलेंस ऑफ बॉसेस उनको मारते हैं या जंगल या वगैरह जगह में, जो मैंने बेटे के साथ किया है इनडायरेक्ट के पास से, उस हर जगह पॉसिबल नहीं है ना डायरेक्ट के पास। आफ्टर 5-10 मिनट शी वॉज smiling, now it has not solved her problem. It will not change her cause. But she has got some capacity now to deal with it. How will you do it? How will you do it? What will you do? Once this is working, once you have captured your feelings, negative se positive feeling ke aata hai. Jab bhi baithna bhi, agar aap iska expression dekhoge, tareena dekhoge, dealing at that time, it has changed. Change your perception. Change your responses. Use catharsis. अच्छा catharsis के नीचे मैं आपको सब पॉइंट्स बताऊँ। One is today because we are in the world of technology, you can I am this time treating a student, she is an MD student who is under severe stress. I am dealing with her, फिर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सो आई हैव टोल्ड हर जिसके आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कीजिए अपनी नेगेटिव फीलिंग्स और उसको देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। सो वन इज यूज ऑफ व्हाट्सएप, यूज ऑफ मोबाइल, यू कैन राइट अदर कैथारसिस to drain out your negative feelings. Because वो व्हाट्सएप आप देखते हैं ना बाद में, तो वो आपका थोड़ा सा ये हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। Another is use paper and pencil technique. Yes. One is that you are using catharsis,
One is for catharsis, आपको चिल्लाना है मान लो, आपको मान लो गालियाँ निकालनी है, तो आप WhatsApp पे रिकॉर्ड कीजिए किसी को, आप उसमें देख भी पाओगे और वो नॉइज आप वापस सुन सकते हो, दैट विल बी डबल इफेक्टिव. सो रिकॉर्ड और मोबाइल, गालियाँ है, चिल्लाना है, रोना है, रिकॉर्ड इट ऑल, रिकॉर्ड वीपिंग, रिकॉर्ड लाफ्टर, रिकॉर्ड अब्यूज अगेंस्ट अ पर्सन हु इज बॉदरिंग यू on the WhatsApp, or if you don't want to record, then write, simply write. But don't send it to somebody. You know, in olden our times, we used to write diary. Diary must be highly personal. अगर उस diary में संभालने का problem है, वो diary अगर किसी के हाथ लग गई तो everything is gone. So it has to be, आपको mobile में तो आपको लगाते हैं password. So it has to be high, it is your personal life. Order, you have to give space to yourself, personal space. Okay? Then, one more thing. Write a letter to your imaginary friend. Write a letter to your, not the real friend, to the imaginary friend. This works beautifully, but with paper and pencil, also to our mobile, but if you use diary, paper, pencil, traditional methods, they are also very beautiful. Write a letter to your, I repeat, to the imaginary friend, not the real. Why? Because you have aise personal revelations, kuch aise secrets usme honge, you should not go to the real friend. Then you write that letter. Or agar aap organize ho life mein, aap achhe se sambhal sakte hain, main nahi hoon, meri cheeze idhar udhar hoti hai. तो अगर नहीं रख सकते हैं देन यू टेयर इट आफ्टर राइटिंग, टेयर इट टू पीसेस इन द डस्ट. अगर आपके पास क्षमता है संभालने की तो आप उसको डायरी या किसी फोल्डर में संभाल के रखिए, रीड इट अगेन, राइट इट अगेन. दीज आर द टेक्निक्स ऑफ कैथारसिस. नेक्स्ट, स्पीक टू अ ट्रस्टेड फ्रेंड, ट्रस्टेड ट्रस्टेड, शेयर योर पेन विद अ ट्रस्टेड फ्रेंड. ट्रस्टेड को क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गया, यू विल लैंड अप इन डिप्रेशन. स्ट्रेस डिजीज नहीं है, स्ट्रेस डिजीज नहीं है, डिप्रेशन डिजीज है. और जो स्ट्रेस है, अगर इतना है, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, लिमिट्स क्रॉस हो गए एंड यू लैंड अप इन डिप्रेशन. स्ट्रेस इज नॉट अ डिजीज, डिप्रेशन इज अ डिजीज. So you have got to do something about it. What I care, I have four points also, but I'm not using. I just want to have eye contact with you. उसमें होता ये है, देखिए psychologically speaking, stress में क्या होता है? Stress में ये एक level होती है, जहाँ आप suppress करते हैं. सब एक level है, सारी बातें दबाते हो. कहीं ना उसको कोई देखते हो, ना express करते हो, ना कुछ समाधान करते हो, you try to solve that. You are suppressing, सब killing that. Like, तो यहाँ रहता है, थोड़ी देर में इसकी लेवल यहाँ आ जाए. बिकॉज जो सप्रेशन होता है फर्स्ट लेवल, वो कॉन्शियस माइंड का होता है, कि आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर इतना चला जाता है कि ये ऊपर जाके ये डिप्रेशन पे आता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस. तो आप पहले कॉन्शियस माइंड पे उसको दबा देते, कॉन्शियस माइंड पे दबा देते, आहिस्ता आहिस्ता ये चला गया डीपर, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस डीपर चला गया. ये आपका सप्रेशन था, ये आपका रिप्रेशन हो गया. अभी आप इस स्ट्रेस लेवल पर थे, अब आप यहाँ रिप्रेसिव मोड में आ गए. रिप्रेशन काफी डीपर लेवल ऑफ माइंड होता है. आपको पता है सिगमंड फ्राइड का नाम सुना? सिगमंड फ्राइड वाज फादर ऑफ साइकोलॉजी. उन्होंने कहा जो हमारा माइंड है इसके तीन लेयर है. माइंड एक ये कॉन्शियस है जिसके आप सोचते समझते हर दिन काम करते हैं. About which we are aware and alert. Then we have little bit which is subconscious. उसमें हम dream से और subconscious से हम recall कर सकते हैं. You know why? Because we can recall dreams. बाकी है 95% is unconscious, unreachable. And root signal person. कहते हैं ये unconscious जो है ना, ये सारा iceberg के साथ compare करते हैं. वो ये कहते हैं कॉन्शियस इज ऑनली टिप ऑफ आइसबर्ग, इतना है. दैट मीन्स हम टिप से काम करते हैं. वो
खुदा की सारा हमारे अनकॉन्शियस में जाता है। पहले आपने अपने स्ट्रेस को छुपाया, दबाया, नेगेटिव फीलिंग सप्रेशन मोड में ले लिया। ये इतना दब गया कि स्ट्रेस यहाँ बढ़ गया, इसको कहते हैं डिप्रेशन। सप्रेशन, डिप्रेशन एंड फाइनली डिप्रेशन हो गया डिजीज। स्ट्रेस में रहते थे आप, कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस में सब कुछ दबा देते सप्रेशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना दबाया कि कभी एडजस्टमेंट किया, डिप्रेसिव मोड में चला गया, डीप पर्टिकुलर कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। फिर आपको पता ही नहीं क्या होता, कॉन्शियस में पता चलता है क्या होता है। जब ये डीपर जाता है फिर हम ही नहीं समझते हम दुखी क्यों, हम ही क्यों हंसा रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं है कई चीज में, इरिटेबिलिटी है, प्लेजर सेंटर वीक हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड। देयरफॉर प्लीज एड्रेस स्ट्रेस, प्लीज एड्रेस नॉन स्टॉप स्ट्रेस, डोंट गेट इन टू सप्रेसिव एंड डिप्रेसिव मोड्स, एंड आई एम गिविंग यू टेक्निक्स फॉर दैट। I have told you that stress नजरिए से आता है, आपका नजरिया बदलने की कोशिश करनी है। जिस दिन आप नजरिया बदलेंगे आपके लिए दुनिया सारी दुनिया बदल जाएगी। उसने गाली दी मैंने दी ही कब। जिस दिन आप नजरिया बदलेंगे आपके लिए दुनिया बदल जाएगी। जिस दिन आप रेस्पॉन्सिव बनेंगे, जिस दिन आप मन को इतना ट्रेनिंग करेंगे, माइंड को, जहन को, ये आपको ओवरपावर नहीं करेगी, आप इसको ओवरपावर करें, इसको ट्रेन करें, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, आपका जीवन बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन सब का आधार, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन सब का आधार। Yeah. As it is,
टेन मेनी थिंग्स का है आप ये बताइए चाय का कैसी है about the meaning of life.
उसको लेंथ में बात करेंगे. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में हम सुसाइड करने लगे लोग, तो जिंदगी को ये किस लिए, बाद में तो मरना है. डीपर क्राइसिस में लोग जाते थे, इसको एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वो लोग जाते थे साइकोथेरेपी के लिए, काउंसलिंग में जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, उनकी लाइफ में मीनिंग दिखी जाती है. कल हम उससे बात करेंगे. तो जो मैं आपको टिप्स लिखा रही थी अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए हम ऐड करते हैं पॉजिटिव सेल्फ talk and statements. Positive self talk and statements. मुझे बोला गया IIHMR में आपको गेस्ट लेक्चर देना है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, यंग क्राउड, डायनेमिक क्राउड, इंटेलिजेंट क्राउड. Oh God, how will I do it? I'm not used to. मैं तो सीनियर को ट्रेनिंग कराती हूँ यूजुअली, एंड यंग पीपल आर सो इंटेलिजेंट, डायनेमिक विद न्यू थॉट्स, न्यू जनरेशन. माय लेक्चर इज गोइंग टू बी अ फेलियर. इफ समबडी आस्क्स मी अ क्वेश्चन, आई वुड बी एबल टू आंसर. यू नो व्हाट इज दिस सेल्फ स्टेट. मुझे कॉल आई 4-5 दिन पहले, आया है चैनल से कॉल की कॉन्टेस्ट. नाउ ये पहले किसी द सेल्फ स्टेटमेंट, आया है चैनल न्यू बैच, young crowd, dynamic crowd, generation gap, I have to talk of stress management. If somebody asks me a question, I'm not able to answer, it's going to be a failure, I am not going to do it well. You know what it is? मैं अपने आप को प्रोग्राम करती हूँ, मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं देना है, आई डोंट बी एबल टू हैंडल द क्राउड, सच अ डायनेमिक यंग क्राउड, इट्स गोइंग टू बी अ फेलियर. जो आप अपने आप से कहते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन पोस्टर सेल्फ से, जो आप अपने आप से कहते हैं वही होता है. आप क्या सोचते हो, जो ये कहते हैं या ये कहते हैं या मैं कहती हूँ वही चलता है. सबसे बड़े दुश्मन तो हम हैं. मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर IIHMR मेरा नाम बदनाम हो जाएगा. मैं ऐसी थी, मेरी फोर्थ में पढ़ती थी, टीचर ने बोला था तू कुछ नहीं करेगी, मेरी माँ ने बोला था कि मैं टेंथ में जिंदगी में कुछ नहीं, नो भी होगा. पता है एक ट्रैप बन जाता है नेगेटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स. और वो मैं जब अमेरिका में थी, एक साइकोथेरेपिस्ट के पास एक लेडी आई, डॉक्टर आई लुक लाइक अ माउस, उसको लग रहा था कि चिड़िया जैसी लक्षण पूरा एक्चुअली लेडी के काउंसलर का साइकोथेरेपिस्ट. अब बैकग्राउंड क्या था आई डोंट नो, कैसे हुआ. और वो साइकोथेरेपिस्ट थोड़ा सा कंफ्रंटेशन वाला, यू नो लाइक अ माउस, तो उसने ना अपने फोटोग्राफर को बुलाया, वो कहता क्लिक कर एंड गेट अ फोटोग्राफ ऑफ अ माउस, तो उसको दिखा रहा माउस का भी आ रहा है. ए लेडी यू स्टिल लुक लाइक अ माउस. अब क्या हुआ है इस लेडी को, इसने अपने आप को पता नहीं कितने दिन से किसने क्या बोला है, इतनी मेंटल प्रोग्रामिंग की है कि दैट शी वर्क. Now she calls me an idiot, she calls me an idiot, she calls me an idiot. और अगर मैं जजमेंट नहीं करूँगा अपनी, अपने साथ वक्त नहीं बिताऊंगी, अपने आप को समझूंगी नहीं, आई विल बिहेव लाइक एन इडियट. मैंने बोला IIHMR में मुझे किसी सवाल का जवाब देना नहीं आएगा. मैं सच जाऊँ टू राइट स्टूडेंट्स विल आस्क मी द क्वेश्चन इफ यू हैव. जो आप अपने आप से कहते हैं, मैंने आपको अभी एक्सरसाइज भी कराई, हम होंगे कामयाब ही कराई, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव द कॉन्फिडेंस. नाउ इफ आई से ठीक है मैं जा रही हूँ आया है जाना, क्राउड इज चैलेंजिंग, वेरी इंटेलिजेंट, न्यू पीपल, डायनेमिक, दैट्स फाइन, देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स आई वांट टू डू टू एड्रेस. ठीक है मेरा लेक्चर सबसे अच्छा नहीं होगा, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट माय लेक्चर इज द बेस्ट, बट आई विल डू जस्ट दिस, आई विल गेट इतनी कॉन्फिडेंस तो मेरे में है. तरह से आप अपने आप को अपने आप से बोलें. हम अपने आप से बहुत बात करते हैं, ऊपर बात हो रही थी कि थॉट्स बहुत परेशान करते हैं, थॉट्स इतने बार बार आते हैं तो वो क्या होता है, तो हम अपने आप से बात कर रहे हैं, इनर डायलॉग चलता है, इनर डायलॉग. मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ उसी तरह. एक मंथ का लो इज अ मंथ या साल, ये चला गया मेडिटेशन करने एक टॉम में, टॉम होता है ना पत्थर पर टॉम, उसका इतना सा चला गया और मेडिटेशन में हम क्या कहते हैं, एक आपको सिंबल बनना चाहिए.
इसने क्या किया, इसने बुल कर दिया मेडिटेशन, बुल सी सीधा मैसेज नाउ सेल्फ स्टेटमेंट सेल्फ टॉक इनर डायलॉग आई एम बुल आई एम बुल आई एम बुल मेरी सारी छह महीने बुल पे अंदर टॉक पे फोकस कॉन्सेंट्रेशन ऑन आई एम बुल आई एम बुल जब छह महीने के बाद इससे कहा गया भाई तू अब बाहर को निकल तू छह महीने के लिए अगर मेडिटेशन के लिए गया था बाहर को निकल अब जब उसको बाहर निकलना यू नो वही से मैं बाहर कैसे निकलू मैं कैसे निकलू बाहर मेरे से कुछ निकला ही नहीं जाएगा यू नो वाई उसका इतना सा होता है ना वो एग्जिट पॉइंट कहता है आई एम बुल उसको सीन टकरा जाएगी ना तो कुछ नहीं होगा उसके सीन का दिस इज प्रोग्रामिंग इट हैपेंस क्या हो भी लगता है आई एम बुल मेरे को सीन या कौन से हाउ टू कम अप इफ आई से I am foolish, I am foolish, I am ugly, I am ugly, I am ugly. आप ऊंचा ही बोल रहे हैं कि तो मैं यहाँ बोलना इस पर अंदर ही अंदर बोल रहे हैं I will fail in this exam, I will fail in this exam, I will fail. Now teacher is going to score me every day, he is going to score me. I am worthless, I am useless, I am never done. It's better to die. हम extreme situations पे आते हैं. But rather than solving the problem creatively, जो आप अपने आप से बोले मैं यहाँ पे जरूर आपसे ये कहूँगा इट्स नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू बी बेस्ट इट इज रिलेट योर सेल्फ टू योर सेल्फ इट्स गुड हेल्दी कॉम्पिटिशन इज गुड यू मस्ट हैव आई एम हेल्दी इज बैड कंप्लीट टू बी योर सेल्फ आई विल ट्राई टू अचीव द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी आई कैन हैंडल इट इट मे नॉट बी परफेक्ट गुड आई एम नॉट सो इनकॉम्पिटेंट जैसे मैसेज आप देखो चाहे पढ़ाई हो चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे पेरेंट्स हो चाहे आपके रिलेटिव हो चाहे आपके टीचर्स हो चाहे आपके सी आई कैन हैंडल आई कैन टॉक टू माय टीचर वाज एंग्री एट मी ट्वाइस माय प्रोफेसर लेट मी हैंडल हिम एट द थर्ड यूज क्रिएटिव ऑप्शंस पता आपको मैं आपको बताती हूँ क्रिएटिविटी हेल्प्स करता है प्लीज रिमेंबर दिस आउट ऑफ बॉक्स सोचो हम लोग क्या ऐसा कर सकते दिमाग पे आप अंदर जाते ही यूज ही नहीं करते हैं शाहरुख और हवा में उड़ रहा है गर्लफ्रेंड को बचा के बट द क्वेश्चन इज ये सच ही ऊंची झूठ नहीं है आप हवा में नहीं उड़ सकते बट वी हैव इमेंस पावर्स वी हैव इमेंस एबिलिटीज वी कैन बट 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 माय स्वीट फ्रेंड्स माय सोल वेव्स एट द सेम टाइम हमें एक चीज जरूर सीखनी उसको कहते हैं ग्रेस टू रिट्रीट कि आपको कोई चीज अचीव करनी मान लो आप कहते हो मेरा टारगेट 90% ठीक है मेरा टारगेट 90% है यू आर ट्राइंग योर बेस्ट ओके यू ट्राई योर बेस्ट बेस्ट एबिलिटीज सब कुछ आप यूज फिर भी आप मान लीजिए 70 यू आर गेटिंग योर बेस्ट नो इट डजंट मीन एनीथिंग दैट्स फाइन यू आर गेटिंग नॉलेज आई एम टेलिंग यू आपको एटीट्यूड स्ट्रक्चर करनी जो मिल गया उसी को समझ लिया जो मिल गया उसी को मुकर गए समझ लिया मुकर गए समझ लिया जो खो गया मैं उसको बुला पता चला गया हर फिक्र को ये सिद्ध का दुआ नहीं है क्या बात साहिब जानी ने लिखा है ये तो फिल्म में सिगरेट दिखाया है जब साहिब ने लिखा दुआ नहीं है हरे फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया ग्रेस टू रिट्रीट डू योर बेस्ट टू टाइप की पर्सनालिटीज होती है टाइप ए पर्सनालिटी एंड टाइप बी पर्सनालिटी टाइप बी पर्सनालिटी मस्त हो इसको फिक्र ही नहीं कितने नंबर आए मुझे क्या करना खुश रहो यार मस्त रहो इन बॉड टाइप ए ओहो बड़ी खतरनाक पर्सनैलिटी होती उसको चाहिए परफेक्शन टिल द पॉइंट ऑफ डेथ मरने को तैयार इसको हर चीज में चाहिए और टाइप ए वाला मास तो कहीं पे आपको टाइप ए और टाइप बी के बीच में टाइप ए और टाइप बी के प्लीज रिमेंबर परफेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट एक्सपेंस इज इम्पोर्टेंट यू लर्न फ्रॉम ईच अदर गेट इनटू हेल्दी कंपटीशन
better than me. And if I go and give my compliment, I think I'll superior even better than him. It may be my kindness. It may be my comfort. Because it's not, we don't live in perfect world. Please remember the attitudinal restructuring. Aapko pata hai perfection kya hota hai? Can you tell me what is perfection? Perfection kya hota hai? Perfection hota hai bachelor's wife. Perfection is bachelor's wife. You strive for excellence. Perfection for bachelor ki girlfriend ko ho sakti hai. पर बीवी नहीं है ना परफेक्शन इज लाइक कभी किसी को पता पोएट्री लवर्स की तो म्यूजिक म्यूजिक नहीं सुनते होंगे म्यूजिक यूटिलाइज स्ट्रेस मेरे साथ भाई कभी किसी को मुकम्मल जहां छोड़ भी सकती है
मेरे बच्चों पे बात आ जाएगी, मेरे पेरेंट्स पे बात आ जाएगी, मैं यहाँ इतना पैसा कमाया दिन में, सारा दिन चला सीधा बिस्टर। एक बार लड़का बच्चा कर रहा था फोन, गरीब करोड़पति 4-5 साल पहले, एक यंग लड़का था डॉक्टर, फोन और टाइम एक उसका, वो क्या करता है जब उसका अच्छा परफॉर्मेंस होता है उसका, फिर वो लाइफ लाइन्स पे आ जाता है। जब ये लाइफ लाइन्स पे आ जाता है तो लाइफ लाइन से इसको पैसा खूब सारा मिलता है। फाइनली लाइफ टाइम के बाद एक सवाल आता है, ठीक है, ये वो नहीं कर पाता, ठीक है, और उसको आता नहीं है, ना तो कोई लाइफ लाइन है ना तो कोई लाइफ लाइन, बट ही सेज आई स्टिल पे, आई स्टिल पे, एंड लाखों इसने जीते थे। जब वो सवाल आता है आपका लाइफ लाइन ही लूज टैन जाते हैं, फिर अमिताभ बच्चन एक कमेंट करता है, देखिए आपको बहुत जहीन है, नॉलेजबल है, इंटेलिजेंट है, मगर कभी कभी बहुत सुंदर बोलता है, कभी कभी इंटेलिजेंस से ज्यादा विजडम का। अब फिर को जब सारी लाइफ लाइन्स मिली है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इवन अ बिट एंड यू आर टेकिंग 100% रिस्क, तो तुम अपनी इंटेलिजेंस पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि तुम अपना विजडम बना रहा है। विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, कल मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करूंगी, you might be aggregated, but what you need is this differentiation between right and wrong, judgment. Hardly intelligence at all, Hitler may, war GP, gas chambers man, Jews Kumara, and it is said that that is intelligence quotient for madness. He was tremendously intelligent. Mother, intelligence, his gone. और ही वाज सो डिस्ट्रक्टिव, अभी आप जब बात कर रहे थे क्या इससे पहले, ही वाज सो डिस्ट्रक्टिव, इंटेलिजेंस यू नीड ह्यूमन टच, यू नीड विजडम, यू नीड इमोशन, तो ये सारी चीजें इसी तरह जब हम परफेक्शन की ओर दौड़ते हैं, चाहे वो आपका एग्जामिनेशन है, यही तो खबर है आमिर खान बोलते होते इडियट्स में, यही तो होता है उसका थीम, ये है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर एप्टीट्यूड एंड नॉलेज बेस, नॉट द मार्क्स। टेल मी व्हाई स्टूडेंट students in school that are easiest to commit suicide. Suicide, twins, drug addiction, alcohol, paisa, kya hota hai? Kyunki parent teacher meeting agar aap dekhoge, jab mere bete ki hoti thi, main jaati thi maa, main 7 baje jaati thi, I wanted to be the first parent. Main walk up to the school, I to be the first. You know why? I didn't want to face parents. I didn't want to see other meetings. Bachon ko criminal ki tarah rakhte hain, teacher aur parent. मैं पहले जाती थी, अगर वो सुनाती थी मैं सुनती, वो निकल जाती। आई वॉन्ट टू अवॉइड पेरेंट्स, कि मुझे वहाँ ऐसा लगता था बच्चा बेचारा जैसे क्रिमिनल, वहाँ से शिकायत, यहाँ से शिकायत, वो बच्चा। एंड आई टेल यू, आई हैव सीन इवन द बेस्ट परफॉर्मर्स, जिनको 100 में से 100 नंबर आते हैं, IIT या जहाँ भी जाते हैं टॉप, या DA के देखा ये कर प्रॉब्लम्स, ये रहा ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ये रहा कोपिंग प्रॉब्लम्स, ये आर सोशल प्रॉब्लम्स, ये आर इमोशनल प्रॉब्लम्स। जब हम सारा फोकस आजकल एजुकेशनल सिस्टम में स्कूल पे हो गया है, सो आई एम नॉट सेइंग डोंट एक्ट, मैं कहता हूं 100% आप करो, डू योर बेस्ट, दैट्स फाइन, यू आर गेनिंग द नॉलेज एवरीवेयर इट इज हैपनिंग। और इतना बुरा लगता है, एक केस था कुछ साल पहले, डेली लाइफ, बच्चे को मैथ्स में आए थे 85%, माँ ने बालकनी से पूछ के आत्महत्या, बच्चे को 100% दुनिया है। एक बच्चा मुझे, एक पेरेंट मुझे मिला, कहता बच्चा मेरा बड़ा डिसअपॉइंटेड है, रिजल्ट आया था उसका, मैं इसका ज्योग्राफी का अपना क्या SST का एग्जाम तो छोटा, मैंने क्यों क्यों खाना क्यों नहीं खाया, कहता उसको ना 20 में से 19.5 आए हैं। कहीं पर अमिताभ बच्चन बोलता है नॉलेज
नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है. Would you like to ask me a 5-10 minute? Like, I have no music to play. Otherwise, my take home classic positive music. But I am not free. You can tell me what you want to ask. You can ask me a question. Thank you so much for asking the question. It's a very important question. I have not touched on many things. Actually, stress management was, I tried to give you the core. Physical activity is very important, and there are studies to show that walking, jogging, and other pranayama and yoga, yoga only the physical part, yoga to kaafi badi cheez hoti hai. Pranayama, asana, they help. Lekin physical activities to keep your body true. And if you don't have physical pains, if your body is in true, naturally your management will be better. So physical activity is strongly recommended. Or management karati bhi. I would have done a lot of jumping, running, but we didn't have space here. Just to tell you symbolically that please include physical activity in your schedule. That is very important. And there are studies to show that. Physical activity to काफी important है. मैं तो इसको ऐसे link कर रही हूँ because अगर आपका physical health ठीक रहता है and there's a connection between spiritual health, physical health and mental health. And जब हम yoga की बात करते हैं, मैं expert नहीं हूँ yoga और meditation में. I'm only talking from psychological perspective. But yoga method, then you go to higher level to meditation and samadhi and divinity. वो तो अलग चीज है. मगर मैं अगर इसको limit करूँ सिर्फ physical activity नहीं, pranayama hai, asana hai, it is absolutely essential. It is a very important tool in management. Neutralize karta hai. It doesn't solve your problem. Ab Munna bhai ke MBBS mein bolo to bole the Dr. Suman se shaadi karne ka hai. Ab us yadi clip hai to yahan chal rahi hai. Wo kehta hai Dr. Suman se, usko pata nahi hai iski dekhi hai. जब उसने सुना डॉक्टर सुमन से शादी करने का है, इट पुट हिम टू वाज फ्यूरियस फुल ऑफ स्ट्रेस. ये इसका गला भी बोल सकता था, मार भी सकता था, बट ही इंडल्ज इन टू लाफ्टर. उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई, बट मर्डर तो बच गया. तो सर्टेन थिंग्स आर जैसे लाफ्टर थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ है ही रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. ही प्रिवेंट्स सर्टेन थिंग्स एंड दे पुट यू ऑन द राइट ट्रैक. Then you get into the mode of problem solving. For problem solving, मैं भी आपसे ये कहूँगी, जब आपका all is well, जब ये समझ गया ना, फिर आप paper pencil से just try to see this problem को creatively कैसे solve करें. Let me find some creative solutions. लिख के ये करूँ, कौन सी मस्त. All right, anything else? Don't keep it confidential as we talk to all.
your stress multiplies. Your stress multiplies because you count in your head. दूसरा जब आप इनके साथ शेयर कर रहे हैं, इनके responses इतने negative हैं कि इसका एक आपके लिए एक judgmental हो रही है. आपको बारे खूब परेशान होने मेरा stress आपसे भी ज़्यादा चलता है. ये your stress multiplies. बाकी जब आप इनको अपनी stress वाली बात बताते हैं, इतना stress नहीं होगा. इनको खूब stress होगा. Unless and until she's very sensitive and she's herself suffering from very sensitive problem. इसीलिए अमेरिका एक प्रोफेशनल ये देखा जाता है, वहाँ पे जो स्ट्रेस मैनेजर्स होते हैं, या साइकोथेरेपिस्ट एनवायरनमेंट यूजुअली नोन में नहीं था. जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक नीस है, शी इज इन यूनिवर्सिटी, शी हैज सम प्रॉब्लम्स विद हर कॉलेज. मेरे पास आई बोले पर मैंने उसको अगेंस्ट दिया, मेरे पास बोलने से कुछ नहीं था. उसमें फिर घर के इशूज भी आते हैं, मुझे जैसे भी कॉन्फिडेंशियल आई आई एम हुआ उसमें सब मैटर होता है. तो कई बार आपको नहीं तो आपके ये वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, ये कहां की दोस्ती है. आप तो दोस्त बात कर रहे हैं, फिर मिर्जा वाले का है लीजिए, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, नो और ना से एडवाइजर्स. मैं तो डर बांटने पे आई तो वहाँ से एडवाइस दे रही. ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, मुझे एडवाइजर नहीं चाहिए, मुझे सल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे जजमेंट नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो प्यार से मुझे समझे और मेरा पेन एक्नॉलेज करेगा. ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त एडवाइजर्स ना से. कोई चारा बार होता, कोई गम के साथ होता, कोई ऐसा होता जो मेरे गम को समझता. सो व्हेन यू शेयर, थिंक आपका दोस्त कौन है. और मैं बोल रही हूँ पॉइंट ऑफ कॉशन, दोस्त दोस्त तो
anxiety related to diseases and disorders, music is a hobby. Oh, jab aap sunte hain, jab aap sunte hain, it helps you. And when you sing, it helps you absolutely. Dekhiye, hum log lata mangeshkar ko paate hain, Neera paate hain. Magar jab hum gaate hain, jaise bathroom mein gaate hain, kitchen mein gaate hain, gaana gaate hain, aapki ek respiratory exercise hoti hai, jo aap physiologically and psychologically, या तो अपनी पॉइंट लिखो उसको ही गाओ. आप गाते हैं जी, जब आप गाते हैं ना क्या मुझे यू आर यू मेरे जिया stress, but do not solve your problem. Are you ready for PowerPoint? Magar ye aapki problem solve nahi karti hai, magar ye aapka rasta bana deti hai problem solve karne ka. Dimag ki sari kriyaan hoti hai. Oh, jaise mere bete ne kaha, jab tak ye karwa. Kal bhi pucha madam sudhar gayi? Kya humne kya tha sudhar gayi? Aise hi hum sudhar jaate hain, kyunki jab kahas ho gaya sara creativity. You are abundantly creative. You are abundant, you have confidence, you are creative. You can rule the world. You can change the world. आपके पास इतनी क्षमता है, इतनी काबिलियत है, इतनी कैफियत है. So you can always rule the world. What is that? Pooja! Yeah.
जो किताबें पढ़नी है रिलीजियस, उसके बाद बाहर बैठ कर बैठना, वहाँ लेडीज आई, देन लंच, देन आफ्टर यू नैप, देन गोइंग टू द क्लिनिक डॉक्टर, देन गोइंग टू द भजन मंडली और मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारा, देन मेबी टीचिंग ग्रैंड चिल्ड्रन. दे हैव टू हैव अ टाइम टेबल. रियली ओल्ड पीपल नीड अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल. आई हैव अ फादर इज 87 इयर्स ओल्ड एंड हमारी पूरी फैमिली में वो ही खुश है. यू नो व्हाई? यू नो वो टाइम मैनेजमेंट. मैं पीछे गई थी इसलिए मेरे ब्रदर, आई वाज स्लीपिंग विद हिम साइड में, तो मैंने इनका देखा 10 मिनट के लिए, वहां मैंने इनका देखा सुबह से शाम तक. व्हेन ही गेट्स अप एट अबाउट 7:30 करके देन ही मोज मेरे को ब्रश करना, आहिस्ता भी करते हैं हाँ वो करना, उसके बाद मुझे प्राणायाम करना है, उसके बाद मुझे न्यूज पेपर पढ़ने हैं 3-4, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद ही जगाई कर आई हैव टू राइट सो मच एंड देन आई हैव टू स्पेंड टाइम विद द ग्रैंड चाइल्ड, देन आई हैव टू हैव लंच, देन आई हैव टू वॉच न्यूज फॉर 3 hours, देन एट 5 o'clock आई हैव टू मीट माय फ्रेंड्स ऑन वॉक. उनका टाइम भी कमाल था. और मैंने ये देखा देयर इज अ रिलेशनशिप, या हमारा रिसर्च ये कहता है, बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड हैप्पीनेस. दिस इज रियल रिलेशनशिप, टाइम मैनेजमेंट सक्सेस एंड हैप्पीनेस. टाइम मैनेजमेंट में उनको टाइम नहीं मिलता, मेरी बहू क्या करती है उससे क्या बनती है, इज अ मेल ऑल्सो बट सर्टेन मेल्स ऑल्सो माय मदर इज नॉट गिविंग. तो मैं उन दोनों की रिलेशनशिप देख रही थी, डॉक्टर एंड माय फादर इन लॉ. ठीक है, अपनी अपनी दुनिया में मस्त करो, अपनी दुनिया में अंदर मस्त है, दोनों का टाइम है, अपनी अपनी प्रियोरिटीज के लिए समटाइम्स मीट ऑन लाइफ और समथिंग लाइक दैट. जस्ट सी हैप्पी. देन ही वाज टेलिंग मी हैड मी कहता तुमको 10 दिन से यहां कुछ कर ही नहीं ले, ये 2-3 किताबें पढ़ लो. माय फादर के पता 10 दिन के लिए रिलैक्स करें, हम अपन लिसन टू म्यूजिक एंड आवर बॉस है. तो टाइम मैनेज. देन आपकी आई टोल्ड यू मैं अकेली ही कर रहा, मैंने कहा 5:30 बजे आया तो मैं भी तो आप ले ही ना जाए, कहते नहीं मेरा टाइम 7:30 उनको तब तक और एक्टिविटीज करनी. एंड आई हैव सीन टाइम मैनेजमेंट वर्क्स ब्यूटीफुली परफॉर्म. टाइम मैनेजमेंट, चैरिटी, कंपैशन, एक्सटेंडिंग सेल्फ एंड सोशल सपोर्ट. दे नीड टू टॉक, दे नीड लिसनर्स. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम. मेरी एक कजन है बाहर अमेरिका में, मैं उसको कह रही थी देखो आजकल बूढ़ों को ना तो गर्व है पूछता है वो ज़्यादा ओल्ड एज होम का कल्चर नहीं बहुत स्ट्रेस है क्योंकि अमेरिका में जो ओल्ड एज होम्स हैं आपको लगता है वो अच्छे हैं पर जो उनके अटेंडेंट होते हैं उनको डराते रहते हैं. वो डराते ओल्ड पीपल है तो हमें लगता है दिमाग का है एक ही बात पूछ रहे हैं और कहते हैं उनको अब्यूज करते हैं. मैंने कहा कैसे? कहते चुनकी लेते हैं, आँख दिखाते हैं, कपड़ मारते हैं, नहीं लगा तो आप करो ये कैसे ये है बोल भी कहीं उनको याद नहीं रहता मेमोरी लॉस है. सो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कोर्स बट फैमिली सर्टेनली एज अ रोल तो दैट इज अ एथिकल पार्ट. एटलीस्ट उनको सुनो कि आप और स्टोरीज टू कहेंगे पर आजकल वो भी इट डिपेंड्स कि ग्रैंड चिल्ड्रन की रिलेशन कैसी है विद ओल्ड पीपल और इट इज नॉट गुड. Then I have seen old people going in parks and talking to people, spending time with them, socializing. वो एक बड़ा मुद्दा है मेरे लिए. Because I feel that alienation kills at all ages, at all ages. We are social beings. अकेला तू ही नहीं है. साधु महात्मा तो वहाँ होता है. पहाड़ के चोटी पे होगा वो भी बात है नीचे आश्रम है. जहाँ पे लोग हैं. Unless he's very आई फाइल रामकृष्ण कि वो बहुत इंटरफेयर करते हैं करते हैं लालच भी होता है. आई नो वन ओल्ड लेडी शी वाज ओनली 3-story हाउस इन ग्रेटर कैलाश विच मीन 50 करोड़ बच्चे बाहर ऐसी रखवाली कर रही थी डब्बे साफ करके जैसे साथ ले जा तो दे दे किसी गरीब को दे दे प्लेस खुल रखे कुछ कर ले रखवाली कर रही थी. मेटीरियल डिटैचमेंट कदम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी में. That's very important.
क्लीन करते रहोगे क्लीन करते रहोगे. ये एक्चुअली एटीट्यूड ये भी है. You have used the word very prominently, caution. Caution. How do you select or identify a person with whom you can share your things? Only you can. You can check. Only you can do. Aapki kitni association hai uske saath. Aapka kitna trust hai. How much you are right in. Nobody else. Ma'am, I want to ask something. Ma'am, mujhe ek alag tarah ka stress hota hai. मेरी डायरेक्शन में हुआ जब भी मैम लंच टाइम में जाता है ना उसके बाद अगर हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहता है तो मैं इम्प्रेशन हो जाता हूँ. तो ये आपके साथ ही होता है या हम सबके साथ? अरे सुनिए हमारे हमारे इंस्टीट्यूट है हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ा ऑडिट हो गया है. तो बोला जा रहा है एमिनेंट स्पीकर आ रहा दो बजे आ रहा है. बोलेगा कोई हमारे पास से आ रहा कोई दिल्ली से आ रहा कोई बैंगलोर से आ रहा आज तब 2 बजे असेंबल होना ऑडिट हो गया. अब खाना तो खाया होता है 1 बजे बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है एसी पीक पे है लाइटें बंद होती है. आजकल पढ़ाया कैसे जाता है पावर पॉइंट से ना तो लाइटें तो बंद कर ली. नेक्स्ट चीज स्लाइड चलती रहती है लोग सो रहे हो और आया मारा होते हैं. तो जो यंग लोग होते हैं वो अपने डेट पे होते हैं कोई गर्लफ्रेंड के साथ कोई बॉयफ्रेंड के साथ अरे एसी है खाना खा रहा है तुम दिखा रहे हो. नेक्स्ट चीज ने हेमेटोलॉजी ठीक थी है पढ़ाने की तो सुनेंगे नहीं तो सो रहे हो चिंता की बात हो 8 मिनट्स ना एंड देन गो अगर आप देन मगर नेपोलियन बोना पार्ट की तरह एक आंख खुली रखो तब सो जाना फेल हो सकता है. मीन सबको हाथी है भाई 2 बजे के बाद सो जाओ बेट सो जाओ चिंता मत करो 10 मिनट के बाद खुद खुलेगी आम का. लास्ट टाइम हो गया आई डोंट वांट टू आई मीट यू टुमारो मॉर्निंग. बहुत अच्छा लगा आपको वंडरफुल आई नो ऑल माय स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट. आप ऑल इज वेरी वेल वेरी वेल मॉर्निंग का वेलकम नाउ इट इज वेरी वेल इन गॉड थैंक यू डियर एंड आई वांट यू टू सी टच द स्काई इन टर्म्स ऑफ गुड फीलिंग्स इन टर्म्स ऑफ गुड अचीवमेंट्स बट फीलिंग्स हैप्पीनेस इन हैप्पीनेस यू टच द स्काई. Happiness is what matters in life. Happiness makes you create yours. So I wish you happiness, I wish you health, I wish you creativity. I wish you a lot of love. I love you all. Thank you. Thank you. मैं दिल में है आज नबी मेरे साथ.